प्रदेश के खंडवा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसकी पत्नी के द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही है। उसने पत्नी के खिलाफ चोरी की शिकायत थाने में दर्ज कराने की कोशिश की। युवक को जब लगा कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो कोतवाली थाना क्षेत्र के मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से कूद कर जान देने की बात कहने लगा। वहीं पुलिस लगातार युवक को समझाती रही। टावर पर चढ़े हुए युवक को देखने के लिए कोतवाली थाने में भीड़ लग गई। काफी समझाने के बाद भी युवक नहीं माना और ये ड्रामा लगभग 15 से 20 मिनट तक चला। युवक अपने वकील से बात करने के बाद मोबाइल टावर से उतर आया। हनुमान मंदिर के पास रहने वाले अरुण मिश्रा ने बताया कि उसका और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा है। युवक के अनुसार उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती और उसके घर के जेवरात उसने ले लिया है। उसने पुलिस से भी शिकायत की लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की कोशिश करने लगा। फिलहाल युवक मोबाइल टावर से उतर गया है और अपनी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करा रहा है। थाना प्रभारी बीएल अटोदे ने बताया कि युवक और उसकी पत्नी का दहेज का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी के चलते वो अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। पुलिस ने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण होने की बात कहकर उसे समझाइश दी लेकिन युवक नहीं माना। युवक चाहता था कि उसकी पत्नी के खिलाफ FIR हो। फिलहाल पुलिस युवक को समझाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। क्या हो गया भैया, क्यों चढ़ गया था भैया? 5 महीने से चोरी हुई है, कंप्लेन नहीं लिख रहे मेरी। पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास और उल्टा मेरे पे केस बना रहे। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या और टावर पे क्यों चढ़े? अरुण रमन मिश्रा। क्यों चढ़े रहे टावर पे? रिफायर कराने आ रहा हूँ, 5 महीने से रिफायर नहीं कर रहे। काय की FIR? चोरी की। पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास, मेरे घर का पूरा सामान चोरी करके ले गए। कौन ले गया? मेरी बीवी थी और उसका दोस्त और मेरा साला। मेरे घर का मैं सब पूरा सामान आने से पहले बगैर बोले पूरा सामान घर का गायब कर दिए। सोना चांदी पूरा सामान एक एक चीज गायब कर दिए और बोलती दे दिए और पूरा बिल मेरे पास पड़ा है। और अब तब से लेकर अभी तक कंप्लेन नहीं लेकर मेरे FIR नहीं लेकर सीएम प्लान पे IG पे SP पे सबको आवेदन दिया हूँ। कहाँ रहते हो आप? ये सूरजकुंड में रहता हूँ। टावर पे क्यों चढ़े आप? FIR नहीं लिख रहे अभी भी मेरे ऊपर कंप्लेन उल्टा बना रहे, लिख रहे, शिकायत कर रहे, बोले इसको बंद करो। अभी किसके कहने पर उतरे टावर से? रविंद्र पवार सर के। ये कौन है? एडवोकेट है, दोस्त है। क्या चाहते हो आप, किस तरह की कार्रवाई? मेरी FIR जो है प्रॉपर, मेरी FIR की कार्रवाई करे। 5 महीने से मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। जब घर में घुसा, मैं बाहर गोवा में काम करता हूँ, मेरे आने से पहले पूरा घर का सामान क्यों चोरी करके ले गया कोई? यहाँ मेरे यहाँ छोड़ के पत्थर वाले वहाँ पे पुलिस ने भी FIR नहीं लिखी। मैंने खुद ने ढूंढ के पकड़ा, बीबी बच्चों को लाया तो यहाँ पे आने बाद जबरदस्ती मेरे बोलते साइन करने तेरे को बंद कर देंगे। जबरदस्ती तलाक कराया लोगों ने मेरा और सामान भी नहीं दिलवाया। मैंने आवेदन दिया, बोले कोई नहीं पागल है उसको भगाओ, FIR नहीं होती। अभी बोल रहे FIR नहीं होगी। कौन नहीं लिख रहा? कोई FIR नहीं लिख रहा। भास्कर सर या ऐसा बोलते प्राइवेट रिपोर्ट कोर्ट में करो। प्राइवेट रिपोर्ट कौन सी तू कोर्ट में? मैं क्या चूतिया हूँ, पागल दिख रहा हूँ मैं? आज क्या करा फिर तुमने? अभी भी आ तुम्हारे ऊपर उल्टा FIR कर रहे, बोलते इसके ऊपर आवेदन बनाओ। फिर क्या किया तुमने? मैं सीधा वही टावर पे चढ़ गया, उनको बोला क्यों तो बोलते नहीं कोई नहीं होगी, मतलब लिख के दो तो बोलते लिखित में नहीं देंगे, FIR नहीं हो रही तुम्हारी। उसकी कार्रवाई हम नहीं करेंगे। मैं फिर अभी कभी भी चढ़ के मैं कुछ जाऊंगा सीधे नीचे, मैं मौका भी नहीं दूंगा फिर किसी को बोलने का। मेरा सिविल कोड खराब करके रखी उसने, जबकि एक लोन नहीं उठाया। मैं बाहर गोवा में काम करता भैया, साल भर में एक बार आता हूँ। मेरे बच्चों तक को मार मार के बोलता है कि मेरे को पापा बोलो। ये उसके साथ जो है उसकी मेरी घरवाली खुद बोलती है उसको पापा बोलो पूरे मोहल्ले। अरुण हनुमान मंदिर का रहने वाला है, इसने अपनी पत्नी प्रिया के खिलाफ एक शिकायत दी थी और फैमिली डिस्प्यूट का मैटर था। प्रिया ने भी इसके खिलाफ उन्होंने शिकायत दी थी, तो जांचकर्ता के माध्यम से आज उनको बयान के लिए बुलाया गया। फैमिली विवाद के कारण इन्हें सुलह समझौता नहीं हुआ, खिन्न होकर टावर पर चढ़ गए। क्या समझाई दी सर इसको? समझाइश ये दी कि जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी, जाँच में हमको वैसे तथ्य आएंगे।